बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे पास ईद का आज है तीसरा दिन और मेरे पास आ गया है एक मेहमान विहाड़ी से होकर लाहौर, लाहौर से होकर मियांवाली और मियांवाली से होकर ईसा है। पहुंच गया है सुबह सुबह, आज ईद का तीसरा दिन था तो मैं तो सोया हुआ था। मुझे भाई ने आकर बताया कि बाहर तुम्हारा कोई मेहमान आया हुआ है। जब बाहर निकला तो एक आदमी खड़ा था बैग उठाकर, और उसने कहा कि मैं लाहौर बिहाड़ी से आया हूँ। तो मैंने पूछा, फिर उसे बिठाया, फिर आपको मिलवाते हैं कि वो क्यों आया है और किस लिए आया है, यूट्यूब का फैन है और किसका फैन है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। अच्छा भाई, ये है मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल जख्मी। ये है सिंगर और इनको है शौक है गाने का, और ये है अतौला खान ईसा हेलवी के बहुत बड़े फैन। और इन्होंने बगैर रब्ता किया मुझसे, ये आज ईद के तीसरे दिन मेरे घर आ पहुंचे हैं कि मुझे अतौला खान ईसा हेलवी से मिलवाओ। तो अभी पूछते हैं इनसे कि ये कैसे कैसे आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल। वैसे यूट्यूब पे अफजल जख्मी से मेरा वो आता है सॉन्ग। तो मैं व्याड़ी से निकला ईसा खेल के लिए ईद के दिन शाम को, जबकि मुल्तान पहुंचा, मुल्तान से मुझे ईसा खेल मियाँ वाली की कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर मैंने कहा कि लाहौर चला जाता हूँ। लाहौर में पहुंचा 6 बजे और वहां से मुझे गाड़ी मिली मियाँ वाली की, जो कि उसने मुझे 10 बजे वहां से वो चली थी और इधर वो पहुंची रात को 2 बजे। मियाँ वाली, हाँ मियाँ वाली। जब वहां उतरा तो ईसा खेल की कोई गाड़ी नहीं थी। फिर मैंने विजिट किया मियाँ वाली शहर का, मुझे बहुत शौक था क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर का वो शहर है अतौला साहब का। तो विजिट किया, फिर मुझे ईसा खेल की गाड़ी मिली। मैं ईसा खेल उतरा, एक चाय वाले होटल से चाय पी, फिर हमाम से नहाया तो फिर आपकी तरफ चलता, आपको ढूंढते ढूंढते आपके गेट पर पहुँच गया बिना रब्ता किए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको मसलन बिना जाने पहचाने, किसी पहचान के मैं आपके पास आ गया। आप तो वैसे ही परेशान हो गए जब मैं आपको मिला कि इसने ये कौन आ गया हमारे घर, ना हमने देखा ना कोई बात ऐसी। तो आपने सुन लिया कि अफजल कहाँ से कहाँ इतने दूर से आया है, 800-900 किलोमीटर का फासला तय करके ये यहाँ स्पेशल आया है मेरे पास कि मुझे अतौला ईसा खेलवी से मिलना है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अतौला खान ईसा खेलवी से इनकी मुलाकात करवा सकूं। खुशकिस्मती इनकी ये है कि आज वो ईद का तीसरा दिन है तो घर पर हैं, लेकिन ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम है। तो हम ट्राई करते हैं। और मामा जेके और मेरी ये फरमाइश है कि अफजल जख्मी से कुछ कलाम सुना जाए, क्योंकि इनको भी सिंगिंग का शौक है, इसी शौक पर ये अतौला ईसा खेलवी को मिलने आए हैं। दोड़ा और एक अरफाना कलाम पेश करूंगा। अच्छा ठीक है, सुनते हैं। ऐ रहमान, ऐ रहमान एहसान तेरे, इंसान ते भी बेशुमार, हिक साहदा शुक्र अदा नहीं थींदा, तेडे करम त लख ते हजारिन। हे मैं जै ते भी करम चकरदा, जड़े बेरंग ते बेकार, जड़े रब दा शुक्र नहीं कर दे आठा, अजली बदबख्त बेकार। कोई ओ कागज ताहा कीता, रब दा मैं शुक्र करां जिस दरा दे अता कीता, रब दा मैं शुक्र करां
जिस दर्द अता कीता। भाई वाह, ये सर का जो मेरे फेवरेट सॉन्ग है दौड़े माइये, मैं बहुत ही सुने हैं दौड़े माइये सर के। मैंने बहुत खुला गाना छोड़ जो किरण झण दी जाना नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। वाह भाई वाह, जो किरण झण दी जाना क्या बात है, चले हाय नाल मेरे कोई चले। जी कोई खबर मित्रा दिले आवे, जे कोई खबर मित्रा दिले आवे, हाथ दे दें दिया चले नाल मेरे कोई चले हाय नाल मेरे कोई चले। जो किसा खेल दी जाना नाल मेरे कोई चले हाय नाल मेरे कोई चले। ये अरफाना कलाम थे सर के। आपने सुना है कि अफजल जख्मी की आवाज कितनी प्यारी है और कितने बड़े फैन हैं, सिर्फ अतौला इस हेलवी के गाने गाते हैं ये। तो हमारी कोशिश है, कोशिश करते हैं कि अतौला इस हेलवी से इन्हें मिलवाया जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आगे इनकी किस्मत, ये बहुत दूर से आए हैं, हमारा फर्ज बनता है, तो कोशिश करते हैं। क्या जी जा रहे हैं अतौला इस हेलवी को मिलने, मेरा मेहमान जो आया था तो उसे लेकर जा रहे हैं हम। अभी बैठक को बंद करते हैं और मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ। अच्छा जी, बंदा एरी दूरू मिलन जो आवे, अगू अख विच अख सजन न पावे, अरमान तो लग गए। ये मोहम्मद अफजल जो लाहौर से आए थे स्पेशल, विहाड़ी के बाद लाहौर और लाहौर के बाद इस हैल स्पेशल अतौला इस हैलवी को मिलने, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि अतौला खान इस हैलवी से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी और ये बग़ैर मिले उनको वापस जा रहे हैं, तो बहुत ही मायूस हैं या खुश हैं। लेकिन टेलीफोन पर इनकी दो बोल सिर्फ अतौला खान के साथ इनके हो गए, तो सुनते हैं इस भाई की ज़ुबानी के इनके दिल में क्या है, क्या ये खुश जा रहे हैं, सुरदा जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं अतौला खान के बहुत ही जो शीले फैन। आया तो था सर को मिलने, बट सर नहीं मिले कोरोना की वजह से, उनकी मसरूफियत कुछ ये बीमारी की वजह से वो नहीं मिल सके। तो मुझे अफसोस नहीं है आप लोगों से मिल के कि आप मिल गए हैं, तो इतना ज़्यादा अफसोस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि माशाल्लाह इस अकेले के लोग बहुत अच्छे हैं और प्यार करने वाले, तो वो मायूसी नहीं अब मैं महसूस कर रहा कि मुझे सर नहीं मिले। आप मिल गए हैं बस मेरे लिए इतने काफ़ी है, तो इंशाल्लाह सर भी मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलूंगा, ये मेरा जुनून है, एक दिन मैं ज़रूर मिलूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम भाई को छोड़ने जाएंगे अड्डे पर। अच्छा। तो ये जा रहे हैं वापस, तो अभी जाते हैं इनको छोड़ने वापस अड्डे पर, लाहौर वाली गाड़ी पर बिठाने। हम आए हुए हैं अड्डे पर और टिकट बुक हो गया, अब ये जाएगा लाहौर, तो सामने खड़ी है गाड़ी। मायूस तो नहीं थे आप? नहीं नहीं, अतौला इस हेलवी से ना मिलने के बावजूद भी ये मायूस नहीं है, तो ऐसे होते हैं फैन। गल तो हो गई ना बदरेर बाद। हाँ
लोगों ने उन्हें गाली ना सुन दे।